हाल में फिलहाल मैं सदर विधानसभा में एजेंट हूं, तो यहां जो है हमारी बढ़त है सदर विधानसभा में। हाँ, पहले राउंड गोरखपुर में कहा जा रहा है कि गुड्डू जमाली खेला खराब कर रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुड्डू जमाली लड़ाई में है ही नहीं है, लड़ाई लेकिन आपके मुस्लिम वोट तो समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई है। मुस्लिम वोट बैंक में मेरे साथ है, मुस्लिम मेरे साथ। कितना जीत का मार्जिन रहेगा? हम जब आपके बड़े नेताओं से पूछते हैं तो वो कॉन्फिडेंट नहीं है जीत का मार्जिन को लेकर। 50,000 वोट से कम धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे। धर्मेंद्र जी किधर हैं अभी? इधर अंदर हैं। अंदर हैं जी। आधार पूछिए कि आपको लग रहा है कि 50,000 वोट जीतेंगे, अभी कितनी की 2,000 की सदर में हमारी लीड है समाजवादी पार्टी की पहले राउंड में। बिल्कुल, देखिए स्टूडियो से आ रही है कि आवाज कि ये जीत जो आप बता रहे 50,000, ये जीत का आंकड़ा है कि हार का आंकड़ा है? ये जीत का आंकड़ा है, जीत का। इतना बड़ा गढ़ है और जीत खाली 50,000 वोट से हो? हाँ। इसका मतलब कि मामला कहीं गड़बड़ाया है? लड़ाई है, क्योंकि वोट परसेंटेज कम पड़ा इस वजह से, और कोई लड़ाई नहीं है। वोट परसेंट कम पड़ा इस वजह से मार्जिन कम है हार जीत की, नहीं तो अगर वोट पूरा पड़ा होता तो मार्जिन 1,00,000 वोट से। सच बता दीजिए, इस बार मामला थोड़ा फंस गया लग रहा है? एकदम नहीं, ये अफवाह है, अफवाह है, ये अफवाह है, फंसा नहीं है। अभी आप देखेंगे क्लियर है, क्लियर फंसा वसा नहीं है, एकदम क्लियर है। रिजल्ट के बाद हम आपसे मिलेंगे। कब मिलिए? तुरंत मिठाई आपको खिलाएंगे। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, दावा कर रहे हैं कि मामला फंसा नहीं है, क्लियर है, गढ़ बरकरार रहेगा, लेकिन अब ये तो हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, 2-4 घंटे, तस्वीर क्लियर हो जाएगी। और एक बार फिर से अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। गिनती चालू है, गिनती शुरू हो चुकी है, बहुत बड़े स्तर पर गिनती हो रही है और 14 टेबल हैं जिन पर गिनती हो रही है। 5 विधानसभा के वोट गिने जा रहे हैं, 30 से 35 राउंड ये गिनती होगी और खुद डीएम यहां पर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। डीएम और एसपी लगातार बने हुए हैं। हालांकि अनफॉर्चुनेट था सुबह काफी, जब समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट और सुरक्षाकर्मियों के बीच बहस हो गई, काफी तीखी नोकझोंक बहस हुई, गर्मा गर्मी हुई। न्यूज स्टेट पर यहां जितने लोग मौजूद हैं, यहां पूरे परिसर में न्यूज स्टेट पर ही लोगों ने वो तस्वीरें देखी। यहां के जो कर्मचारी सुरक्षाकर्मी वो भी न्यूज स्टेट पर ही ये सारा अपडेट ले रहे हैं जो बाहर मौजूद हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। बीजेपी के एजेंट में है, क्या नाम भाई साहब आपका? सिद्धार्थ राम सिंह। कौन सी विधानसभा देख रहे हैं आप? सदर। सदर में क्या मामला चल रहा है? ठीक है, अभी फाइट में है, पहला राउंड चल रहा है, थोड़ा पीछे है, लेकिन जब शहर में उसका अंदाजा अभी नहीं लगा है, अभी क्योंकि एक दो लिस्ट है आपका लिखे हुए लग नहीं लगे, एक दो जो है वो अभी चालू नहीं हो पाए हैं। बूथ टेबल नंबर 6 का ईवीएम अभी नहीं रीडिंग, पीछे चल रहे उसका अंदाजा अभी नहीं है, कुछ वोट पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी शहर जब आएंगे तो हम लोग काफी आगे लीड में जाएंगे। गुड्डू जमाली पे भरोसा है? गुड्डू जमाली पे क्यों भरोसा होगा, हमें अपने दिनेश जी पे भरोसा है, योगी जी पे भरोसा है, मोदी जी पे भरोसा है। कहा जा रहा है, देखिए वो तो ठीक है अपनी जीत पे होना चाहिए, लेकिन ये कहा जा रहा है गुड्डू जमाली अच्छा लड़ेंगे तभी यहाँ कमल खिलेगा। जनता आजमगढ़ की परेशान हो चुकी है, जनता कमल खिलाने के लिए मन बनाई है, माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है और किसी का दाल यहाँ गलने वाला नहीं है। लेकिन देखिए दिनेश लाल जी अच्छी बैटिंग करेंगे, लेकिन जमाली की अच्छी बॉलिंग करना भी जरूरी है तभी समाजवादी पार्टी आउट होगी, ऐसा कहा जा रहा है। जमाली जी के पास अल्पसंख्यक के बिल्कुल अनिल आपके पास वापस लौटेंगे। रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव की एक एक अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बताएं कि धर्मेंद्र यादव जो है, जो शुरुआती रुझान आ रहे, जो शुरुआती चीजें देखने को मिली उसमें धर्मेंद्र यादव 1,000 वोटों से आगे चले। यार रुकते छोड़ सब्रेक के लिए एक एक अपडेट लगातार।